हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। यह आपके लिए करंट अफेयर का एक बूस्टर डोज साबित होने वाला है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका एसएससी जीडी हो, आपका यूपी लेखपाल हो, आरआरबी एनटीपीसी हो, हर एग्जाम में आपका करंट अफेयर पूछा ही पूछा जाता है। तो हम करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके के पोर्शन को भी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको ये पूरी वीडियो अंत तक देखनी है और इसमें स्टैटिक जीके प्रश्न वो होने वाले हैं जो परीक्षा की खोपड़ी में छेद कर देंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है वो विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। वर्ल्ड बैंक इसको जारी करता है। और इसकी इसमें भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की जो रैंक है वो 63 भारत की रैंक थी 2020 में। अब ये चर्चा में क्यों रही है वो आप समझिएगा। चर्चा में रहने का कारण यह है कि इसको वर्ल्ड बैंक ने जो है बंद कर दिया। और बंद क्यों कर दिया? इसने ये कहा कि इसमें जो है डाटा की अनियमितताएं हैं। तो डाटा की अनियमितताओं को लेकर के वर्ल्ड बैंक ने इस रिपोर्ट को बंद कर दिया। तो ध्यान रखना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आपकी वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत की रैंक 63, जैसा कि मैंने आपको बताया। देखिए, भारत की जो रैंक है वो आप देखिएगा 2005 से लेकर के 2019 तक कितनी सुधरी है। देखिए, 2005 में 116 भारत की रैंक थी, उसके बाद हम 2014 में 142 पे पहुंच गए थे, लेकिन 2019 में भारत की रैंक 63 थी। जब भारत की रैंक सुधर रही थी तब वर्ल्ड बैंक ने इस रैंक को बंद कर दिया। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी रैंक है जिसको बंद कर दिया गया, क्योंकि ईच ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट बहुत सारे एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछी जा चुकी है। वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करें, इसका मुख्यालय जो है वो आपका वाशिंगटन डीसी में स्थित है। 1945 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, मातृभूमि योजना किस राज्य से संबंधित है? तो जो मातृभूमि योजना है वो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। कि क्या योजना है उसको समझिए आप। इसमें होगा कि ये कि इसमें 50-50% राज्य की और व्यक्ति की इसमें जो है साझेदारी होने वाली है, 50-50%। तो इसमें कर क्या सकते हैं आप, 50-50% की जिम्मेदारी रहेगी। कोई भी मान लीजिए जहीं कहीं पर आवास विकास में विकास भवन बनवाए जाते हैं, आवास विकास में कोई भी रहने के लिए घर बनवाया जाता है, कोई भी मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्क होता है, तो उसमें जो भी व्यक्ति इसमें करेगा तो उसके नाम से उस भवन का नाम रख दिया जाएगा। तो ये इसमें एक तरीके से प्रत्यक्ष जनता की भागीदारी होगी, विकास में भागीदार जनता। तो इसमें फायदा समझ लीजिएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके सामने योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनके द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया। उत्तर प्रदेश की योजना है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है? तो सूर्य किरण जो सैन्य अभ्यास है, भारत और नेपाल के मध्य का ये सैन्य अभ्यास होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास है। अब मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास जो कि आपको याद रखने। देखिए, गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के मध्य का युद्धाभ्यास है। एक्वेरियन याद रखिएगा, मालदीव्स के साथ भारत करता है। हैंड इन हैंड चाइना चमगादड़ के साथ भारत का युद्धाभ्यास होता है। कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के मध्य का युद्धाभ्यास है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका हो जाता है। नोमेडिक एलिफेंट याद रखिएगा, मंगोलिया के साथ होता है। शक्ति भारत फ्रांस के साथ करता है। सूर्य किरण अभी आपने देखा, नेपाल के साथ भारत युद्धाभ्यास करता है। और युद्धाभ्यास नाम का एक्सरसाइज वो भारत और यूएसए के मध्य होता है। तो ये और एक्सरसाइज है आपके सामने, जैसे गरुड़ है फ्रांस के साथ, ईस्टर्न ब्रिज आपका युमान के साथ, इंदिरा याद रखिएगा रूस के साथ भारत युद्धाभ्यास करता है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, हाल ही में पंजाब राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो पंजाब राज्य में भी खेला हुआ था, पंजाब राज्य में आपको पता होगा जो नवजोत सिंह सिद्धू है उसकी वजह से बहुत सारा खेला हुआ पंजाब राज्य में। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया, नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो चरणजीत सिंह चन्नी साहब जो हैं पंजाब राज्य के नए मुख्यमंत्री बने। आपको पता होगा भाजपा शासित 3 प्रदेशों में भी मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं। बसवराज बोम्मई जो हैं वो कर्नाटका के मुख्यमंत्री बने हैं। पुष्कर सिंह धामी ये कहाँ के हैं? ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। और भूपेंद्र पटेल हाल ही में गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने। तो चारों के चारों ऑप्शन आपके सामने नए मुख्यमंत्रियों के। तो इस क्वेश्चन का आंसर चरणजीत सिंह चन्नी होगा, क्योंकि पंजाब राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ये आपके सामने है चरणजीत सिंह चन्नी। तो पंजाब में एक तरीके का खेला ही हुआ है, क्योंकि ये जो सिद्धू की वजह से पहले तो कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब ने इस्तीफा दिया, उसके बाद सिद्धू ने खुद भी इस्तीफा दे दिया, देखिए गोली देकर के चला गया। इसके अलावा आप पंजाब राज्य देख लीजिएगा, पंजाब राज्य सीमावर्ती राज्य है पंजाब जो पाकिस्तान, ये आपके सामने जो खच्चर देश है पाकिस्तान, इसके साथ भी सीमा साझा करता है, राजधानी इसकी चंडीगढ़ है और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी साहब हो ही जाते हैं। देखो, पंजाब राज्य सीमा किस किस के साथ साझा करता है? ऊपर तो जम्मू कश्मीर जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश
और इधर हरियाणा और राजस्थान इन राज्यों के साथ, जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। कितने आपसे पूछा जाए कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, जम्मू कश्मीर भूल के भी मत कीजिए क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य नहीं है। ठीक, इसके बाद ये आपके सामने है भूपेंद्र पटेल साहब, ये टकलू। तो ये भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने, इनसे पहले जो थे वो आपके सामने ये थे विजय रूपाणी साहब, इन्होंने यहाँ से इस्तीफा दे दिया। ये आपके सामने उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी साहब, इन्होंने भी ये उत्तराखंड में भी काफ़ी खेला हुआ था। उत्तराखंड में पहले जो होते त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, उसके बाद तीरथ सिंह रावत आए, अब पुष्कर सिंह धामी साहब उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रगति मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो प्रगति मोबाइल ऐप जो है वो LIC के द्वारा लॉन्च किया गया। LIC की स्थापना कब हुई थी तो मैं आपको बता दूं, 1956 में इसका अधिनियम आया था, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी सभी का बीमा करता है, और भारत सरकार अपना बीमा करना भूल गया, भारत सरकार इसका IPO निकाल रही है, यानी कि LIC को भी भारत सरकार बेचने वाली है। तो प्रगति मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया, याद रखना है आपको, LIC के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ये देखिएगा प्रगति मोबाइल है आपके सामने। इसके अलावा सुपेश पोर्टल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये सुपेश पोर्टल लॉन्च किया गया था। अभी UPPET का जो एग्जाम हुआ था उसमें सीधा क्वेश्चन आया था सुपेश पोर्टल किससे संबंधित है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट एफिशिएंसी, इसको लेकर के पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च पोर्टल था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित पोर्टल था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया जो विश्व का सबसे लंबा हाईवे होगा, इसकी लंबाई कितनी? देखिए दिल्ली मुंबई इससे एक्सप्रेसवे विश्व का सबसे लंबा हाईवे बनने वाला है, बन चुका है, 1380 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आप समझिएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जहां पर दिल्ली से मुंबई जाने के लिए 18 घंटा लगता था, अब मात्र और मात्र 7 घंटे में इस दूरी को तय किया जा सकेगा। ये देखिएगा लगभग 10 से 12 घंटे में इसको दूरी को तय किया जा सकेगा। और ये कहाँ कहाँ से होकर के गुजरता है, यहाँ समझिएगा, दिल्ली से लेकर के निकलता है राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये यहाँ पर गुजरात के बाद महाराष्ट्र, मुंबई, यहाँ तक ये पहुँच जाता है। तो ये एक्सप्रेसवे दुनिया का सबसे बड़ा लंबा हाईवे है, आप ध्यान रखिएगा, 1290 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है। वैसे 1380 किलोमीटर जो है अप्रॉक्स 1250 बताई जा रही है, लेकिन इसकी जो लंबाई है वो 1380 किलोमीटर लंबाई है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य देश कौन बना? तो संघाई सहयोग संगठन जिसको SCO के नाम से आप जानते होंगे, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका 9वां जो देश सदस्य बना है वो आपका ईरान 9वां देश सदस्य बना है, जिसमें 8 सदस्य पहले ही थे, 2017 में इसमें भारत और पाकिस्तान इसमें शामिल हुए, और अब इसमें 2021 में ईरान को भी शामिल किया गया है। अब आप देखिएगा SCO का, समझिएगा SCO में कौन कौन से कंट्रीज शामिल है वो देखिएगा। SCO के बारे में बात करूँ, पहले तो आ जाता है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बाकी के मैं मेंबर दिखा दूंगा। ईरान आप यहाँ देखिएगा, ईरान, देखिए भारत, पाकिस्तान और उसके बाद ईरान से ये सीमा साझा करता है। ईरान में ही भारत का एक चाबहार पोर्ट भी है, चाबहार बंदरगाह भारत का ईरान में ही बना हुआ है। इसके अलावा संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स आप देखिएगा, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तजिकिस्तान है, ईरान मेंबर बन ही चुका है, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, इंडिया, चाइना और रूस, ये जो है इसके मेंबर हैं, याद रखने हैं आपको। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, IPL की एक ही टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो आपको ये पता ही होगा, विराट कोहली साहब, चीकू भाई ने RCB रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं विराट कोहली। तो इन्होंने 200 मैच RCB के लिए खेले हैं, और इन्होंने ये भी घोषणा कर दिया कि ये भारत के लिए भी T20 की कप्तानी छोड़ने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप के बाद, और IPL की कप्तानी भी इस IPL के बाद छोड़ देंगे। तो विराट कोहली का यह कहना है, हो सकता है इस बार RCB को ये जिता करके ले ही जाएं। वीवो IPL के बारे में बात करें, अभी जो आपका IPL चल रहा है 2021 का, ये इसका जो स्पॉन्सरशिप है वो वीवो IPL ने इसको स्पॉन्सर किया है, और इसका आयोजन अभी कहाँ, दुबई में चल रहा है, पहले भारत में स्टार्ट हुआ था, बाकी के बचे हुए मैच जो हैं वो दुबई UAE में कराए जा रहे हैं, और वीवो इसका स्पॉन्सरशिप है, याद रखिएगा। 2020 का भी जो आपका IPL था वो भी दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में ही हुआ था, UAE में ही हुआ था। इसका चैंपियंस कौन था, तो मुंबई इंडियंस ने 5वीं बार ये खिताब जीता था। सर्वाधिक जो IPL की ट्रॉफी है वो किसने जीती है, तो वो मुंबई इंडियंस ने ही जीती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आती है। ये देखिए आपके सामने जो IPL का पहला सीजन हुआ था 2008 का, तब पहली बार राजस्थान रॉयल्स ने जीता था इसको, शेन वॉन इसके कप्तान थे, शेन वॉन साहब ये आपके सामने है, ये जो बीच में है ये शेन वॉन कप्तान थे, और इन्होंने पहली बार IPL का खिताब जो जीता था वो राजस्थान की टीम ने जीता था। अगला क्वेश्चन है हमारा,
हाल ही में कौन अफ्रीका और रूस में स्थित दो चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय बनी? तो अफ्रीका और रूस की दो चोटियों को फतह करने वाली गीता समोता ने जो है अभी सबसे तेज भारतीय बनी है। कौन कौन सी चोटी है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये गीता समोता है आपके सामने। देखिए अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। इसके अलावा माउंट एल्ब्रुस जो है वो आपकी इसमें हो जाती है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। देखिए सारी सबसे ऊंची चोटी देख लीजिएगा, एल्ब्रुस जो माउंट एल्ब्रुस है वो आपकी यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, और इसके अलावा अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो हो जाती है, एशिया की सबसे ऊंची चोटी आप माउंट एवरेस्ट जानते हैं, ये विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत भी है, 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है, और माउंट कोसियस्कू ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट अकांगुआ ये आपका साउथ अमेरिका में आता है, साउथ अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट डेनाली ये आपका नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट विंसन मैसेफ ये अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। तो सभी सातों महाद्वीप की मैंने सबसे ऊंची चोटी आपको बता दी, याद रखिएगा आपको एशिया से याद रखना है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए माउंट एवरेस्ट, एल्ब्रुस आपके यूरोप में हो जाती है, आपके अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है, डेनाली रेंज ये आपका नॉर्थ अमेरिका, माउंट अकांकागुआ ये आपका साउथ अमेरिका, माउंट विंसन मैसेफ ये आपका कहाँ है अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया याद रखिएगा माउंट कोसियस्कू है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड किसे दिया गया? तो एसडीजी जो प्रोग्रेस अवार्ड है ये किसको दिया गया? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना साहब को दिया गया एसडीजी प्रोग्रेस। एसडीजी आप समझते होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, 17 गोल निर्धारित किए गए हैं, इनका लक्ष्य 2015 से 2030 तक इनको पाना है, 17 टोटल के टोटल लक्ष्य हैं। शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब देखिए बांग्लादेश का थोड़ा सा इतिहास जान लीजिएगा, ये आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, ये ईस्ट पाकिस्तान, जब भारत का 1947 में विभाजन हुआ था तब बांग्लादेश नाम का कोई भी देश जो था नहीं था, पाकिस्तान बना था, एक तो आपका वेस्ट पाकिस्तान बना था, एक ईस्ट पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान जो था उसको 1971 में भारत ने तोड़ दिया, आप समझिए 1971 में भारत ने पाकिस्तान को तोड़ करके एक नया देश बना दिया, और ये हमसे बात करता है कि भारत से पंगा लेगा, हमने इसी को तोड़ रखा है। देखिएगा दो टुकड़े कर दिए इसके बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, ये जो ईस्ट पाकिस्तान था ये क्या बन गया, ये देखिए आज का बांग्लादेश आपके सामने 1971, आप समझिएगा 1947 में भारत आजाद हुआ, 1971 में भारत ने बांग्लादेश को भी बना दिया, तो नया देश जो है भारत का बांग्लादेश बना। चलिए थैंक यू दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप जुड़ सकते हैं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।